खिलाफ मामला दर्ज होया ते चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत मामला दर्ज होया। 2021 च रैली दौरान पुलिस खिलाफ टिप्पणी की गई सी ते अपराधिक मानहानि की पटीशन भी दायर की गई सी। दस दें कि नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया ते चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत दे विच मामला दर्ज किया गया। 2021 च रैली दौरान पुलिस खिलाफ टिप्पणी है जो की गई सी ते अपराधिक मानहानि की पटीशन भी की गई सी दायर। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत दे विच मामला दर्ज होया है, वड्डी खबर है। 2021 दे विच रैली दौरान पुलिस खिलाफ टिप्पणी की गई सी ते अपराधिक मानहानि दी पटीशन की गई सी दायर। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मामला दर्ज होया ते चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत मामला दर्ज किया गया है ते 2021 च रैली दौरान पुलिस खिलाफ की गई सी टिप्पणी। 2021 दे विच रैली दौरान जो टिप्पणी की गई सी नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों उस नूं लैके मामला दर्ज किया गया ते सिद्धू खिलाफ यह मामला दर्ज होया ते चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत दे विच मामला दर्ज किया गया। 2021 च रैली दौरान पुलिस खिलाफ टिप्पणी की गई सी ते अपराधिक मानहानि की जो पटीशन है वह भी दायर की गई सी। 2021 च रैली दौरान यह मामला जो दर्ज किया गया है सिद्धू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया ते नवजोत सिंह सिद्धू दियां मुश्किलां ने जो किते ना किते वधदियां हुईयां दिखाई दे रही ने। सिद्धू खिलाफ मामला दर्ज होया ते चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट दे वल्लों यह मामला दर्ज किया गया अदालत दे विच। 2021 दे विच रैली दौरान जो टिप्पणी की गई सी ते 2021 च रैली दौरान पुलिस खिलाफ जो बयान है दिता गया सी जिस नूं लैके सिद्धू ते मामला दर्ज किया गया। नवजोत सिंह सिद्धू दियां मुश्किलां ने जो वधियां ने ते नवजोत सिंह सिद्धू खिलाफ मामला दर्ज होया चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत दे विच मामला दर्ज किया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू दियां मुश्किलां ने जो वधदियां हुईयां दिखाई दे रही ने। सिद्धू खिलाफ मामला दर्ज होया है। नवजोत सिंह सिद्धू दियां जो मुश्किलां ने वधदियां हुईयां दिखाई दे रही ने ते सिद्धू खिलाफ मामला दर्ज होया चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत दे विच मामला दर्ज होया। इस नाल ही दस्सदे कि वधेरे जानकारी दे लई साडे नाल साडे पत्रकार अमृतसर तों जसबीर सिंह फोन लाइन ते जुड़ चुके ने। जी जसबीर, जेकर देखा जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू दी मुश्किलां ने जो वधदियां हुईयां दिखाई दे रही ने, सिद्धू खिलाफ जो मामला दर्ज होया है, फिलहाल की अपडेट है, की जानकारी है? देखो मनिंदर, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के जिहड़ा उन्होंने जी कथाकथित जी उन्होंने सिस्टर है वो आरोप लगा रही थी कि नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्होंने नाल जिहड़ा ठीक व्यवहार नहीं किया और उन्हों की मदर की जिहड़ी मौत है वह नवजोत सिंह सिद्धू के कारण हुई है ते काफी परिवारिक जिहड़ा है कितने कितने उलझना जिहड़ियां सीगियां वो दिखाई दित्तियां सन ते हुण नवजोत सिंह सिद्धू वालों जदों यह कह दिता गया कि यह मेरी जिहड़ी है सौतेली भैन है और मेरी सिस्टर नहीं है और जदों कि इन्हां दी शादी तो पहले यह जिहड़ा सीगा मसला सुलझ गया सीगा, लेकिन हुण उन्हां दी सिस्टर वालों आरोप लगाए गए हैं जिहदे तहत बयानों के आधार के उत्ते जिहड़ी FIR है वो नवजोत सिंह सिद्धू के उत्ते जिहड़ी है वो कर दी गई है और काफी वड्डे बयान जिहड़े ने उन्हां वल्लों दित्ते गए ने ते इह कहा जा सकदा कि नवजोत सिंह सिद्धू दीआं मुश्किलां जिहड़ीआं ने वो कितने ना कितने वधदीआं होईआं नजर आ रहीआं ने। जिस ढंग दे नाल हुण नवजोत सिंह सिद्धू पहले आरोप लगाए जांदे ने उस तों बाद नवजोत सिंह सिद्धू उत्ते FIR कर दित्ती जांदी है ते इह कह सकदे आ कि जिस ढंग दे नाल उन्हां दी सिस्टर जिहड़ी आ ओह बार बार कह रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्हां दे नाल ठीक व्यवहार नहीं किया, उन्हां दे करके उन्हां दी मदर स्टेशन उत्ते बैठे रहे तो उन्हां दी उत्ते मौत हुंदी आ और बयानां दे आधार उत्ते वह जिहड़े ने वह नवजोत सिंह सिद्धू दे उत्ते FIR जिहड़ी लॉन्च कर दित्ती गई है। हालां नाल उन्हां दा यह भी कहना सीगा कि कई बार उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल संपर्क करन दी कोशिश की, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्हां दे नाल मुलाकात नहीं की, किसी तरह की कोई तालमेल नहीं किया और बहुत परेशान से और मीडिया सामने उन्होंने गुहार लगाई कि मेरी किसी तरह के नाल नवजोत सिंह सिद्धू के नाल गलबात करा दो, लेकिन वह गल ना होने चलते हुण नवजोत सिंह सिद्धू के उहदे जिहड़ी सिस्टर जिहड़ी कहिंदी है कि मैं उन्हां दी सिस्टर हाँ उन्हां वल्लों जिहड़े ने बयानां दे आधार दे उत्ते जिहड़ी FIR ओ करा दित्ती गई है। जी मनिंदर जी, जेकर देखा जाए तो लगातार ही नवजोत सिंह सिद्धू दी मुश्किलां ने जो वधदियां हुई दिखाई दे रही ने। जसबीर जी, जी जसबीर, तमाम जानकारी दे लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।